हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलविंदर सिंह राणा स्कूल। मैं तुम्हें अज एक अजिहे विषय नाल मिलान जा रहा हाँ जिन्हों फिशला ते पाइल्स दोनों प्रॉब्लम सी। फिशला नूं बवासीर नालों ज़्यादा खतरनाक मनिया जाता क्योंकि जे फिशला का टाइम सिर इलाज ना हो तो यह कैंसर च कन्वर्ट हो जाती है। पर इस पेशेंट दिया फिशला ते पाइल्स दोनों प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट अज इत्थे राणा स्कूल च हो चुके हैं। हूँ आप पेशेंट को पूछ रहे हैं दोनों चीजों का इलाज करने के बाद उन्होंने की एक्सपीरियंस है। हाँ जी नमस्ते, आप क्या नाम है आपका? अनीता शर्मा। कहाँ से आए हो? अनकेरिया होशियारपुर से। अच्छा, क्या परेशानी थी आपको? मेरे पास 10 साल से बहुत पाइल्स थी और 1 साल से मेरे को बहुत दिक्कत थी। अच्छा जी। साथ में से बना था ब्यूटी टाइप कुछ बना था। ओके, 10 साल से थी आपको? फिशला और पाइल्स दोनों थे आपके? साइड पे गांठ बन गई थी, फिशला बन गया था उसका। 1 साल से आपको ज्यादा दिक्कत थी। ठीक है, पहले कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया आपने? पहले करवाया था, वो बोलते थे कि ये ऐसे ही गांठ बनी है, इसको हम निकाल देते हैं। फिर हमें विश्वास नहीं हुआ। अच्छा, फिर हाँ मेरे बहन की लड़की है वो साथ आई है। अच्छा अच्छा, उन्होंने जहाँ लेके अच्छा उन्होंने बताया उन्होंने भी करवाया था जो पहले 4 महीने पहले। अच्छा अच्छा, उन्होंने पहले यहाँ पे करवाया था, वो आपको यहाँ लेकर। ठीक है ठीक है, आपको राणा हॉस्पिटल के बारे में उन्हीं से पता चला। ठीक ठीक, यहाँ पे आए डॉक्टर साहब से मिले, कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा। यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाया आपने, स्टाफ की सर्विस कैसे लगी आपको? किसी तरह की कोई परेशानी आई हो? जैसे ऑपरेशन से हर पेशेंट जो है आजकल ऑपरेशन के नाम से डरता है, तो आपको कैसे लगे? कुछ ऐसी बात है कि डरना चाहिए पेशेंट को? नहीं डरना चाहिए। नहीं डरना चाहिए। आपका ऑपरेशन हो गया, आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, पहले थी, ऑपरेशन से पहले थी। ऑपरेशन से पहले बहुत परेशानी थी आपको? अब देखो ठीक लग रहा है आपको? कंफर्टेबल हो, सेटिस्फाइड हो आप यहाँ पे ट्रीटमेंट करवा के? किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। जो आजकल बहुत पेशेंट ऐसे हैं जिनको ये प्रॉब्लम है लेकिन वो ऑपरेशन के नाम से डरते हैं, उनको लगता है कि ऑपरेशन करनी कौन सी कितनी बड़ी चीज है कि उसको करवाने से परेशानी हो जाएगी, ऐसे पेशेंट को आप कोई मैसेज देना चाहते हो अपनी तरफ से? आप मैसेज दीजिए। मैं ये मैसेज देती हूँ कि अगर कोई भी बीमारी लग जाती है तो डॉक्टर साहब ऑपरेशन करते हैं, तो इसे हमें नहीं घबराना चाहिए, उसके साथ ही ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अनीता जी ना गल करन तो बाद पता लग गया है ये फिशला ते पाइल्स दोनों बीमारियां ना काफी सालों तो जूझ रहे थे, आज इन्हां दे दोनों बीमारियों का इलाज हो चुके हैं। सुबह इन्हां दा ऑपरेशन होया सी, हुण इह शाम नूं डिस्चार्ज होकर घर नूं जा रहे हैं। यह अपने आप च बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहे ने अपने आप नूं। इन्हां दा कहना कि ऑपरेशन च कोई परेशानी नहीं हुई, मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रही, मैं हुण अपने घर नूं जा रही हूँ, ये बहुत खुश ने। ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਮੈਸੇਜ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ।